सर किस तरह का खुलासा किया जा रहा है? ये जनपद महाराजगंज के थाना कोतवाली अंतर्गत 25 तारीख की शाम में पुलिस के पास ये सूचना आई थी कि एक व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनकी नाबालिग बेटी द्वारा नहर में कूदकर जान दे दी गई है तथा वहाँ पर अपने कुछ सामान और साथ में एक सुसाइड नोट छोड़ा गया है, जिसमें उन्होंने एक उसके बातचीत करने वाले एक लड़के के ऊपर आरोप लगाया था। इस आरोप पे और इस सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल धारा 305 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए जो तीनों नामजद अभियुक्त थे उनको अपने गिरफ्त में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की गई। उनसे पूछताछ और साथ ही बाकी इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलांस के माध्यम से अन्य जो सूचनाएं प्राप्त हुई, इसमें पुलिस को और गहनता से जांच करने पर यह बात निकल कर आई कि उस बालिका द्वारा इस प्रकार का कार्य न करते हुए बल्कि एक भ्रामक सुसाइड नोट वहाँ पर छोड़ा गया था और किसी अन्य लड़के जिससे वो बातचीत करती थी उसके साथ मिलकर वो कहीं छिपी हुई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा फाइनली बच्ची को बरामद किया गया है और जिस लड़के से वो बातचीत करती थी जिसके साथ मिलकर उसने ये पूरा का पूरा प्लान बनाया था, जिसके दुष्प्रेरणा पर उसने ये प्लान बनाया था, उस लड़के को पुलिस द्वारा अपने गिरफ्त में लिया गया है। और इसमें जो पहले तीन नामजद लोग थे, जो लड़का और उनके माँ बाप थे, उनके ऊपर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और ये जो दूसरा व्यक्ति है जिससे बच्ची बात किया करती थी इसको पुलिस द्वारा गिरफ्त में लेके तथा बच्ची से भी CWC के माध्यम से पेश कराते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और इस युवक के ऊपर अब मुकदमा चलाया जा रहा है।